हेलो गाइस, कैसे हो सारे? हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? आई नो अमेजिंग चल रही होगी, राइट? तो बच्चा, यहाँ पर चैनल पर दो सीरीज चल रही है, एक सीबीएसई के लिए और एक नीट के लिए, राइट? और यहाँ पर ड्रॉपर बच्चे जो 22 के लिए टारगेट कर रहे हैं, 23 के लिए टारगेट कर रहे हैं, सब उनको अटेंड कर सकते हैं. कैसे? सीबीएसई वाला जो हमारा चल रहा है, मैंने प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस इस हफ्ते कराया, ठीक है? दो लेक्चर में करा है. जिसने अभी तक नहीं देखा, देख लेना, सीबीएसई के लिए करा है. लेकिन वो नीट वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि प्योरली एनसीईआरटी सारी चीजें कवर करी है, राइट? दूसरा, यहां पर नीट के लिए मैंने 11 से शुरू करा, सो दैट कि 11th वाले बच्चों का भी लॉस ना हो, राइट? तो बच्चा, 11th वाले बच्चे भी यहां पर देखेंगे उस वीडियो को, 22 वाले ड्रॉपर सब, राइट? सो क्लास 11 से मैंने स्टार्ट करा, जहां पर मैंने सेल वाला चैप्टर दो लेक्चर में कंप्लीट कराया, सेल साइकिल सेल डिवीजन एक लेक्चर में कंप्लीट कराया, राइट? तो उसको अच्छे से देख लेना. सेल साइकिल सेल डिवीजन का नेक्स्ट क्लास में मेंटी करेंगे, ठीक है, नीट के लिए. एंड बच्चा, इन केस यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट रीच मी आउट. एंड यस, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक हम करने वाले हैं, दैट इज मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? तो सीबीएसई के लिए मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, बट नीट वाले बच्चे भी उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि फुल एनसीईआरटी बेस्ड है और वो बहुत जरूरी है. इन चैप्टर से मैक्सिमम एनसीईआरटी है, रेयरली कभी बाहर से पूछता है, राइट? तो नहीं करना है एक्स्ट्रा, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई वाला अटेंड करना, ठीक है? और नीट के लिए बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लास 11, तो क्लास 11th वाले बच्चे भी अटेंड करेंगे, राइट? तो बच्चा, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा होगा इन सीरीज से. एंड बाकी कोई भी इश्यूज हो, माम इज ऑलवेज देयर, राइट? सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे.